ये मिर्ची वाली चटनी। मिर्ची वाली चटनी कंगल कैसे बनाई जाती है? वो बताने का 2.5 लाख रुपए लेते हैं। कितना? 2.5 लाख रुपए। तो नमस्कार अंकल जी, मेरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील सेठी। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मुझे 37 साल हो गए जी। अच्छा, 37 साल हो गए। तो क्या क्या लगाते हो यहाँ पे? भेलपुरी, शिवपुरी। तो सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? भेलपुरी। और प्राइस क्या रहता है इसका? भेलपुरी का 60 रुपए। अच्छा, 60 रुपए की भेलपुरी रहती है। शिवपुरी 80 रुपए। 80 रुपए की। ये लो जी मुरमुरा। तो अंकल जी क्या क्या डाल दो बताते हैं? ये पापड़ी। ठीक है। ये जी सेमिया, ये बूंदी, ये मूंगफली, ये कटे हुए प्याज, ये मन पसंद हमारा हल्द्वानी आलू। अच्छा, ये हल्द्वानी से आता है? नहीं, पहाड़ी आलू कहते हैं इसको। अच्छा, पहाड़ी आलू। तो इससे ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है? ये अच्छा होता है, दूसरे आलू के मुताबिक ये अच्छा होता है। तो प्याज डल गए, आलू डल गए, मूँगफली डल गई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो पूरा बर्तन भर के यहाँ पे हमारी भेल लगाई जा रही है। तो चटनी कितने की है ये? सिर्फ 2.5 लाख। सिर्फ 2.5 लाख रुपये? जब 2.5 लाख देगा पता लग जाएगा। अच्छा, और ये क्या डाला? नींबू निचोड़ना भी सिखाऊंगा। तो अंकल जी कैसे कुछ आपने यहाँ पे लगाने का? मजबूरी से। अच्छा, मजबूरी थी। कितने साल हो गए आपको? मुझे 37 साल हो गए। 37 साल हो गए आपको जी। लोग तो सरकार को गालियां देते हैं ना, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। मैंने ये सब नहीं किया, चुप करके रेडी लगा ली। तो जब आपने लगाया तो आपने सोचा था कि इतना चलेगा? ये तो आदमी पैदा होता वो भी नहीं सोचता कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, वक्त चलाता है सबको। ये बिना प्याज होगी आपकी? मेरी होगी 20-22 के आसपास। बस 20-22 साल? और क्या। तो आप बोल रहे 35 साल आपको काम करते हो गए इधर? यार ये काम की बात है, वो अलग है, वो अलग चीज़ है। उम्र अलग बात है, उम्र अलग है, काम की बात है। उम्र की बात अलग है, काम की बात अलग है। तो यूनिवर्सिटी बच्चे आपसे बड़े एज में मतलब यहाँ पे जो आते हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इसी उम्र में आते हैं। अच्छा, और 17-18 साल की उम्र में आते हैं। तो आपको तो छोटा भाई बोलते होंगे? वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी बोले। मेरे को वैसे ही सुनाई कम देता। अच्छा, तो जोर से बोलना पड़ता है मतलब आपको? हाँ थोड़ा सा। मिर्ची इसका 2.5 लाख रुपये दाम है, रेसिपी बता देगा। तो अगर आपने बिना प्याज की भी भेल खानी है तो आपको वो भी मिल जाएगी। तो बिना प्याज वाली का दाम कितना रहता है? सेम प्राइस है। प्राइस से कोई समझौता नहीं। और टेस्ट भी बढ़िया रहता है एकदम? वो तो आप बताओगे। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी की फेमस सुनील शेट्टी अंकल की भेलपुरी यहाँ पे लग चुकी है। तो इन्होंने इस पर काफ़ी सारी चीज़ें डाली है, जैसे तो सेव डाली है, मूँगफली डाली है, नींबू डाला है और काफ़ी सारे इसमें मसाले डाले हैं। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो बात कर ली जाए इनकी भेल की, इनकी भेल बहुत ही टेस्टी हो रही है, एकदम चटपटी सी। खट्टापन इन्होंने बहुत ही अच्छे से उसमें बैलेंस किया हुआ है और जो चटपटी भेल बनी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बात कर ली जाए इसकी प्राइस की, इसका प्राइस है 60 रुपीज़, और 60 रुपीज़ में आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अंकल जी दुकान की टाइमिंग बता दीजिए। 1 से 7:30। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हैं? संडे छुट्टी, बाकी कोई छुट्टी नहीं। ठीक है, और एड्रेस बता दीजिए कि जो यहाँ पे आना हो। पटेल ट्रस्ट 4 नंबर गेट। अच्छा, और इधर WL सेंटर का बोर्ड लगा हुआ। तो अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहते हो तो सुनील सेठी अंकल के साथ आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसको ट्राई कर सकते हो। तो अब मैं इसको यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में।